झारखंड के साहिबगंज जिले में ICSE बोर्ड के तहत संचालित मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। साहिबगंज जिले में मैट्रिक परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। ICSE के 10वीं परीक्षा में 98.20% अंकों के साथ राखी कुमारी ने जिला का टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। वहीं टॉपर लिस्ट में कुल 3 लड़कियां शामिल हुई है। इसी प्रकार इंटर के कॉमर्स में भी लड़कियों ने ही अपना परचम लहराया है। वहीं निमिषा चक्रवर्ती ने इंटर के कॉमर्स में 94.75% अंकों के साथ जिला का टॉपर स्थान प्राप्त किया है। वहीं ICSE बोर्ड के इंटर कॉमर्स की परीक्षा में टॉपर लिस्ट में खुशी कुमारी ने भी 77.75% अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। खुशी भविष्य में एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। शहर के लंच घाट निवासी धर्मवीर कुमार और मधु देवी की पुत्री खुशी कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और मामा के साथ अपने दोस्तों को दिया है। खुशी के पिता फिलहाल फौज में कार्यरत हैं। मेरा नाम खुशी कुमारी है। हम सेंट जेवियर स्कूल साहिबगंज के स्टूडेंट हैं। 12th में मेरा परसेंटेज 77.77% आया है। थर्ड डिवीजन है और इसका मैं श्रेय अपने घर वाले, माता पिता और मेरे मामा जी और फिर स्पेशली मेरे टीचर्स जो कि उनको बहुत हद तक हेल्प किए हैं। क्या बनना चाहती हो? मैं सीए बनना चाहती हूँ। शुरू से ही अपना बच्चा लोग को संघर्ष किया पढ़ाने के लिए। मेरा दो लड़का का हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा कर एक छोटो CRPF और एक छोटो SSB अजय कुमार चौरसिया पहला, दूसरा जो SSB में है वो विकास कुमार। दो लड़की है उसका भी, मेरे दामाद एक आर्मी में है जो कि अभी JCO में है और दूसरा जो है रेलवे में गार्ड है। तो हम लोग संघर्ष करके बच्चा लोग को पढ़ा। फिर मेरा तीसरा पीढ़ी यानी जखनी इसको संजीवनी स्कूल में पढ़ाया साहेबगंज में और अच्छा नंबर से वो पास की है और हम चाहते हैं कि ये लोग अच्छा से जॉब कोई करे, बढ़िया जॉब पकड़े और हम शिक्षा दिलाने में सबको हम अथी किया, अपना योगदान किया है। वहीं इंटर साइंस में सौरभ भट्टाचार्य 97.75% अंकों के साथ जिला टॉपर बना है। जिले में ICSE बोर्ड के तहत जिले में एकमात्र संत जेवियर स्कूल संचालित है। इस बोर्ड के तहत मैट्रिक की परीक्षा में कुल 146 परीक्षार्थियों शामिल हुए थे जिसमें 32 छात्र और छात्राओं ने 90% से ऊपर अंक हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं 48 छात्रों को 80% अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार इंटर साइंस की परीक्षा में कुल 25 परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिसमें 7 परीक्षार्थियों को 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं जबकि 6 परीक्षार्थियों को 80% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं कॉमर्स की परीक्षा में कुल 15 परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिसमें 2 परीक्षार्थियों को 90% से अधिक अंक और 11 परीक्षार्थियों को 70% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इधर परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संत जेवियर स्कूल के प्राचार्य फादर अरुण घोष ने सभी सफल परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए उनके अच्छे भविष्य की कामना की है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अटल भारत।